चल यार चल इस बार चल दुनिया नहीं है बबल। तौबा तौबा तौबा, अरे जितनी बेइज्जती तुम्हारे सुसर ने तुम्हारी की है ना नबील, अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता ना, अरे तो कब का ये घर छोड़ के चला गया होता। मेरा पुत्र बड़ा वो है मसूद। मासूम मादी? नहीं नहीं मासूम नहीं पुत्र, वो जो बड़ी ढिटाई से अपने सुसर की बात सुन के भी उसके घर पे पड़ा रहता है। बेशरम। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह मेरा पुत्र बड़ा ही बेशरम है। माँ जी ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए तो कर रहा हूँ यार। अरे भाई हमारे लिए कैसे? ओ भाई पापा जी के मरने के बाद जब सारी जायदाद मुझे मिलेगी तो किसके मजे होंगे? आप लोगों के। भाई मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सुसर इतनी आसानी से मरेंगे। हाँ कफीर, जब से वो बेहसाब पापे को छोड़ के गई है ना, तब से वो और भी वो हो गई। वो क्या? वही जो आप है अस्तखार। ओ माँ जी महमूद साहब तो बुड्ढे ठरकी है यार। अरे बुड्ढा बुड्ढा कोई नहीं, बुड्ढा होगा तेरा बाप। तो तकरीबन आप ही हैं मेरे बाप। लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ। हाँ हाँ जवान, जब से उस बेहसाब ने पापे को छोड़ा है ना, वो और जवान हो गया। बात तो बिल्कुल ठीक है नबी, जिन लोगों की बीवियां नहीं होती ना, अरे वो बहुत खुश तवाना और जवान रहते हैं। हाँ काश पापे की कोई ऐसी मीसनी बेगम होती ना, कि सारे साल इतना टॉर्चर करती कि वो जल्दी से मर जाते। माँ जी क्या आइडिया दिया आपने। थैंक यू पुत्र, पर आइडिया दिया क्या था मैंने वो तो बताओ। माँ जी हम पापा जी की शादी करवाएंगे। फिर से? हाँ मैं मुसा ऐसी सास लाऊंगा पापा जी को चार दिन में हार्ट अटैक हो जाएगा। ये चीज मेरे पुत्र। तो चलें फिर पापा जी को खुशखबरी देते हैं। वो जो हमने पापा जी को देनी है वो खुशखबरी है। हाँ जी चलाओ जी। आओ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा जी क्या है? अब पापा जी हम लोगों ने ना वापस जाने का फैसला कर लिया है। हाँ तो जाओ। अरे ऐसे थोड़ी जाएंगे पापा जी, हमें आपकी बहुत फिक्र है। हाँ जी। हाँ इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम आपके फिर से वो कराएं। वो क्या माँ जी? वही जो उनकी पहले भी हुई थी ना, प्लास्टिक सर्जरी जी। अरे मुझे नहीं करानी प्लास्टिक सर्जरी कोई। हाँ। सर्जरी नहीं पापा जी, वो क्या माँ जी? जानू शादी, शादी जानू। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते, पापा फिर से शादी करेंगे? क्यों जानू, पापा जी खूबसूरत है, हैंडसम है और जवान है। हाँ और करोड़पति भी है। हाँ बेटा बात तो ठीक कर रहे हो। पापा आप भूल गए बेताब ने आपके साथ क्या किया था? याद है बेटा, अगर फिक्र ना करो, इस दफा मैं बेताब जैसी लड़की से शादी करने की गलती नहीं करूंगा। थैंक गॉड, इस बार मैं किसी मासूम और कम उम्र लड़की से शादी करूंगा। पापा फिर से शादी कैसे कर सकते हैं? भाई अब बेटा खूबसूरत, तुम्हें भी तो माँ की कमी महसूस होती होगी ना? बिल्कुल नहीं। बस तो मेरा वादा है पापा जी आपसे कि आपकी शादी इसी एपिसोड में होगी। दस 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 महमूद साहब म्यूजिक तुमने। जी जी बहुत ही नेक और शरीफ लड़के है जी, गारंटी करता हूँ जी मैं। और नई नई प्लास्टिक सर्जरी हुई है जी जी, दूर से फाद मुस्तवा लगता है, करीब आए तो अचानक हुमायूं शहीद हो जाता है। जी 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 हाँ जी हाँ जी। कम उम्र, हसीन तरीन और तलाक याफ्ता, अरे ये तो मैं अपने लिए मार कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी, शादी हमें आज ही करनी है। हाँ लड़के की उम्र तकरीबन 60 के करीब है। हाँ जी बस थोड़े दिन में ही इंशाल्लाह वफात पा जाएगा वो। हाँ जी। ये सब क्या हो रहा है? पुत्र शगुफ्ता तेरे लिए मां ढूंढ रही हूँ। खूबसूरत माँ जी? हाँ हाँ खूबसूरत सी मां ढूंढेंगे इस बार, बस खुश। मुझे कोई मां नहीं चाहिए, आप लोग सब चले कराची। अरे भाई ऐसे कैसे चले जाए खूबसूरत? अरे सदीकी साहब ने हमें शादी की जिम्मेदारी सौंपी है। हाँ हाँ जानू, अब तो हम पापा जी की शादी करा के जाएंगे यार। मुझसे पापा जी की तन्हाई नहीं देखी जाती, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जानू। शट अप नबील। यू शट अप, अपने पापा की खुशी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे? कैसी बेटी हो तुम यार। रिजवाना तू फिक्र ना कर, तुझे सकी माँ से बढ़ के प्यार देगी वो। मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए, मैं पापा से बात करती हूँ, वो ही आप लोगों से बात करेंगे। जानू जानू छोड़े यार से, कहाँ पे लगे रिश्ता ढूंढ रिश्ता। अरे कहाँ गई वो लड़की? अरे क्या नंबर क्या था भाई नंबर। ये क्या है? भाई लिली जी ये अंडे और शहद का मास्क है। पापा आप ये कह
कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं बेटा, जरा स्किन फ्रेश हो जाएगी ना। पापा मैं मास्क की नहीं शादी की बात कर रही हूँ, आप इस तरह कैसे शादी कर सकते हैं? अरे बेटे अब आहिस्ता ही से आराम से ही करनी पड़ेगी ना खामोशी से, तीसरी शादी है धूमधाम तो कर नहीं सकता मैं। पर पापा। अच्छा भाई जो तुमने धूम धड़क का करना है कर लो, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं घोड़ी पे भी चढ़ जाऊंगा। घोड़ी? घोड़ी तो बड़ा ओल्ड फैशन है साहब जी, आजकल तो लोग हेलीकॉप्टर में बारात लेके आते हैं। तुम चुप करो राजा, पापा आपको फिर से शादी नहीं करनी चाहिए, आप भूल गए हैं बेताब ने आपके साथ क्या किया था। अरे वो बेताब तो शुरू ही से उम्र के लिए बेताब था। तुम फिक्र ना करो, इस दफा मैं जरा मोहतात रहूंगा। इसका मतलब है आप शादी करके ही रहेंगे? खूबसूरत देखो ना, तुम्हें भी तो माँ मिल जाएगी ना जी। अच्छा आओ छोड़ो, तुम मास्क लगाओ, आ जाओ। मुझे नहीं लगवाना बू वाला मास्क पापा। तू लगा काम अपना, क्या कर रहा टाइम जाया कर रहा। क्या चाहिए माँ जी? कवारी लड़की तुझे माँ जी नजर आती है? है शर्म नहीं आती तुझे माँ जी कहते हुए मुझे? लड़की? अरे भाई यहाँ क्यों आई हैं आप? शादी करने। क्या? हाँ कहाँ इस बंगले का मालिक, ले चलना मुझे उसके पास। अंदर है आइए। साहब जी। हाँ जी, शादी, ये शादी के सिलसिले में आई है। आप यकीनन लड़की की माँ हैं। और राजी ना, मैं तो खुद ही लड़की हूँ। वो लड़का किधर है जी? ये रहा लड़का। मुझे पसंद है जी, बिल्कुल पसंद है। कब करनी है शादी? जी जी बड़े मशरकी है ना पापा जी। जानू अभी और भी रिश्ते आने वाले हैं। शट अप नबील। ओके जानू। पापा जी आप दिल छोड़ा ना करें, दूसरी लड़की बस आती ही होगी। और इस बार ये लड़की पक्का पसंद आ गई है आपको? हाँ जी हाँ जी जी पापा जी। वालेकुम सलाम, आप कौन? मैं नाजुक। हाँ जी कितनी नाजुक है देखे। आप भी अपना रिश्ता लेके आई हैं यहाँ पे क्या? जी अंकल। अंकल मैं आपको अंकल नजर आ रहा हूँ। अरे भाई यही तो वो लड़का है जिसकी हमने शादी करवानी है। माफ कीजिएगा मेरे चश्मे का नंबर ना थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई भी नहीं देता? मुझे ना शाम से पहले सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन 7 बजे के बाद मुकम्मल ब्लैकआउट हो जाता है। अच्छा तो फिर आप जहेज में क्या क्या लाएंगे? अरे मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए, खुसूसन इनसे तो बिल्कुल भी नहीं। हाय अल्लाह कितने अच्छे हैं आप। आपको बच्चे पसंद हैं? बच्चे? हाँ जी मेरे 4 बच्चे हैं ना, शादी के बाद वो हमारे साथ ही तो रहेंगे। लो भी खूबसूरत, तुम्हें छोटे छोटे बहन भाई मिल जाएंगे, और क्या चाहिए तुम्हें? शट अप नबील, कोई शादी वादी नहीं हो रही, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अजीब बदतमीज लोग हैं, पहले बुलाते हैं और फिर बेइज्जत कर देते हैं। चलो भाई रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है आप अपने लिए रिश्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। क्या? 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 अब मैं अपनी पसंद के मुताबिक रिश्ता ढूंढूंगा और तुम लोगों को शादी करके दिखाऊंगा। चले जी वापसी की तैयारी करें। नहीं भाई नहीं, हम तो पापा जी कवली मई खा के जाएंगे बस। मैं तो कहता हूँ पहले बच्चे के बाद चलेंगे। बिल्कुल नहीं, आप लोग अपना सामान पैक करें चले। वो जो हमने पैक करना है वो सामान है? हाँ जी। बिल्कुल नहीं। मैं मुस्सा यार नबील, ये तो सारी गेम ही उलट गई है यार। अरे सोचा था पापा जी शादी करवा लेंगे और खुश होके को 10-12 लाख हमें भी दे देंगे। मैं मुस्सा वही बात की ना आपने, अगेन एंड अगेन, बड़ा मुंह छोटी बात। नबील और यार मैं मुस्सा, जब हमें आधी जायदाद मिल सकती है तो हम 10-12 लाख पे क्यों गुजारा करें यार? यार लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है मैं मुस्सा कि हम पापा जी की जिस लड़की से शादी कराएंगे ना, उससे डील करेंगे कि शादी के बाद आधी जायदाद पापा जी की वो हमारे नाम लगाएगी। अरे नबील आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यार ऐसी लड़की हमें मिलेगी कहाँ? टेंशन ना ले, मैंने बहुत लोगों को बोला हुआ है, आप मेरे साथ आए। आओ अस्सलाम
वालेकुम, मैं निराली हूँ। जी लग भी रही हैं आप। आप दोनों शक्ल से बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरी मदद कर दें। देखें, हमारे पास आपके लिए एक बड़ा ही मजबूत सहारा है। क्यों महमूद साहब? नबील, मुझे सहारा देने में तो कोई एतराज नहीं है, बस तुम अपनी माँ को समझा लेना। निराली को सहारा हमारे प्यारे पापा जी देंगे। सुनो, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। मुझे क्या करना होगा साहब जी? देखो, करना ये है, पापा प्लीज इस दफा सोचे समझे बगैर शादी मत कीजिएगा। तू तो सही तरह पापा। आज वो कहाँ थे आप लोग? और ये लड़की कौन है? जानू, ये निराली है, तुम्हारी होने वाली अम्मी जी। अम्मी? उषा मशी। I gotta be too fabricated. Crank the volume up when this track is very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. Teri baby mujhe dekhe bole Astaghfar. Tati chadi di jawani, kar meri manmani. Agar lovan paas lagi hai, tu kithe nas jaani. One look at you and I can say, ho gaya pyar, bar bar. Oh papa ji, wapas aa jaye. और दाद दे अपने दामाद को कि उसने अपने लिए कितनी अच्छी सास ढूंढी है। थोड़ी सी मुझे भी। नबील, तुम क्यों पापा की शादी कराने पर तुले हुए हो? पापा ने नहीं करनी शादी। आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? किस बेवकूफ ने कहा ऐसा तुम्हें? ये इस बेवकूफ सुल्ताना ने कहा है जी। खूबसूरत माँ जी, तुझसे ज्यादा खूबसूरत तो तेरी होने वाली अम्मी जी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेम साहब। क्या अस्सलाम वालेकुम मेम साहब? पापा, आप इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। पापा जी, डोंट वरी, मैं हैंडल करता हूँ खूबसूरत को। जानू, क्या हो गया तुम्हें यार? देखो पापा जी कितने खुश हैं। हाँ, और लड़की भी ना बहुत ही भोली भाली है, बेताब की तरह की बिल्कुल भी नहीं है। बेताब जी से तो बहुत प्यारी है जी। आओ निराली, हम एक दूसरे को और अच्छी तरह जान लेते हैं। हाँ, चलिए आप दोनों को मैं लेके चलती हूँ, वापसी में हमने गोल गप्पे खाते हुए आने। जी नहीं, हम खुद घूम लेंगे। आप, मैं तुम्हें अपना लॉन दिखा के लाऊं। निराली आ जी जी, पापा जी ले जाए, अच्छी तरह लॉन दिखाइएगा। नबील, ये क्या है? कहाँ से लाए उस लड़की को? जानू, मासूम और बेसहारा लड़की है, पापा जी को बहुत सवाब मिलेगा इससे शादी करके। तुम्हें कोई और नहीं मिला था सवाब दिलवाने के लिए? भाई, मैं तो तैयार था इस गरीब लड़की का सहारा बनने के लिए, मगर ये नबील नहीं माना। अफ्तखार, मैंने आपकी जान ले लेनी है। कितना प्यारा नाम है, निराली। आपका नाम भी निराली है? नहीं, मेरा नाम तो सिद्दीकी है। सिद्दीकी? मेरे खालू थे सिद्दीकी, बेचारे गुजर गए। तुम चाहो तो मुझे सिद्दीकी कह सकती हो। नहीं नहीं, मैं तो आपको भोलू बुलाऊंगी, कितने भोले और क्यूट है आप। भोलू? और मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? आप ना मुझे निराली बेगम कहिएगा। मैं तुम्हें सिर्फ बेगम कहूंगा। हाय अल्लाह, आप कितने वो हैं। अच्छा, तुम्हें भी भूलने की बीमारी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपको कभी नहीं भूल सकती। निराली, मैं शादी के बाद तुम्हें मलका बना के रखूंगा। निराली तो आपकी कनीज बन के रहेगी, भोलू जी आपकी कदमों में सारी जिंदगी गुजार देगी। सच? मुझे ऐसी ही नेक और खिदमत गुजार बीवी की तलाश थी निराली। तो फिर हमारी बात पक्की भोलू जी? अरे बिल्कुल पक्की है। चलो और निकाह की तैयारी करें। भाई लगता है साहब जी आज ही निकाह कर लेंगे। खूबसूरत बीवी ये बताएं कि मैं आज खाने में क्या क्या बनाऊं? मुझे नहीं पता। तू कैसी वो है, तुझे अपने पापे की शादी की जरूर वो नहीं है। माँ जी, मेरा इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। आइए आइए। बाबा जी आ गए, 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 बाबा जी आ गए। जी बाबा जी। भाई, हमने ये फैसला किया है दोनों ने कि हम आज इसी वक्त अभी निकाह करेंगे। पापा, बेटा खूबसूरत, मैं तुम्हें माँ बन के पालूंगी। तुम मेरी माँ नहीं हो। अरे खूबसूरत, अब उसका थूक भी दो यार, खुशी का मौका है भाई। हाँ चल चल, पुत्र अम्मी जी को अंदर लेके जा, अच्छा सा त्यार श्यार कर दे। पापा जी शादी मुबारक। मुबारक हो भाई। चल भाई राजा, बजा दे बाजा। जी
जी साहब जी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। अरे अली इमरान, तेरे भाई ने अपने सुसर की शादी करा दी भाई। बुड्ढा बड़ा ही खुश है। हाँ, उस लड़की से पहले डील की है, शादी कुछ दिनों बाद आधी जायदाद उस लड़की के नाम होगी और बाकी आधी मेरे नाम, और पापा जी होंगे सड़क पर, और तेरा भाई सीधा जाएगा टर्की और किसी खूबसूरत लड़की के साथ निकाह भड़काएगा। नबील, तुम इतना गिर सकते हो? मैं कहाँ गिरा हूँ जानू, मेरे को सही खड़ा हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया नबील, तुमने पापा के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है। हाँ जानू, वैसे कैसा चला है दिमाग मेरा? मैं पापा को सब बता दूंगी नबील। अब कोई फायदा नहीं जानू, वो निराली के प्यार में पागल हो चुके हैं, वो तुम्हारा यकीन कभी भी नहीं करेंगे। मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने लालची और घटिया आदमी हो। शौक से बता देना जानू, मैं जरा टर्की जाने की तैयारी करूं। तुम चाहो तो यहाँ रुक के अपनी अम्मी की खिदमत कर सकती हो। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, मुझे तुम्हारा ये जो लाश वाला शट अप है ना, ये दिलो जान से कबूल है। टिक 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 नहीं देगा तो ट्राई करूं। टिक 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 टिक। ओ चिट्टा कुकड़ बने रहते, चिट्टा कुकड़ बने रहते, कासनी दुपट्टे वाली ये मुंडा आशिक तेरे ते। हाय, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे तुम जैसी नरम दिल भोली बाली निराली मिली है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी और इस घर की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाओगी। अबे बस कर जा, बोर क्यों कर रहा है बुड्ढे? क्या बहरा है क्या? तुझे बोल रही हूँ, ज्यादा बोर मत कर। निराली, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसे ही बात करती हूँ, ये सुबह से आप 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 करके मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, गर्मी चढ़ गई। पानी लाऊं? पानी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तू अपना पसीना पोंछ ले भोलू मियां। निराली, निराली बेगम, बोल निराली बेगम। निराली बेगम, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो कहा था मैं सारी जिंदगी आपके पैरों में बैठी रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। हैं? मुझे कदमों में बिठा के रखेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? हाँ, तुम एक भोली भाली सादा सी निराली हो। निराली बेगम हूँ मैं, चोरी किडनैपिंग बत्ताखोरी की वजह से मशहूर है मेरा घराना। पिछले महीने बैंक डकैती में मेरा भाई अरेस्ट हो गया, तो मैंने सोचा मैं तो सेटल हो जाऊं। तू ये गन है, गिफ्ट है तेरा शादी का, रख लेना। नबील, कहाँ जा रहे हैं? नबील, नबील, खूबसूरत, अरे निराली देखो, निराली, पी पी, निराली, निराली, नबील देखो, देखो, नबील, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, पानी, क्या हुआ, ये निराली, निराली। अरे नबील, अरे इसके हाथ में तो गन है। निराली, ये तुमने कहां से उठा ली है? फेंको, गंदी बात होती है गन उठाना। फेंको इसको। ओ छोटी शर्ट वाले, ओ बड़े मुंह वाले, खबरदार जो तुम दोनों ने मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत की तो, वरना याद रखना एक एक बात बता दूंगी इस भोलू को। भोलू? नबील, नबील, ये बता रही थी कि ये चोरी डकैती किडनैपिंग भी करती है और उसका भाई जो है वो जेल में भी है। जब चोरी डकैती ये करती है तो उसका भाई क्यों जेल में है? मेरे पीछे भी पुलिस थी, मैं फरार गई थी। ये सब कुछ तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया निराली? अगर पहले बता देती तो ये बकरा कहाँ से मिलता मुझे? ले हाथी को बकरा कह रही है। देखो, हम इस शादी को नहीं मानते, तुम्हें पापा को छोड़ना होगा। अब ये मेरा शौहर है और ये घर भी मेरा है, जिसे शादी मंजूर नहीं है वो हाथ उठा ले। हम में से किसी को ये शादी मंजूर नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
बल बनाते चलते हैं दरिया के पालन को।